हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन हम आपको एक सीरीज लेकर कर चल रहे हैं टॉप हंड्रेड क्वेश्चन एन बुक के जो आपको आपके बोर्ड पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें हम सिक्स क्वेश्चन पढ़ चुके आज हमारा सेवन क्वेश्चन है जिसको देखते हैं में भी क्या करना है प्रूव करना है यानी इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध सिद्ध करना करना है करना है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख सको अब आपको क्वेश्चन अच्छा दिख रहा होगा इनमें कैसे क्या सॉल्व किया जाए कि इतना आ जाए तो क्वेश्चन क्या है अगर हम एल ले लेते हैं एल आप ले लोगे तो ये था टेन इनवर्स डर यानी वन प्लस एक्स था फिर माइनस वन माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स होगा और प्लस वन माइनस एक्स हो जाएगा और हमें प्रूव करना है फाइव बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनमें सिक्स तो ऐसा क्या करें कि इसका आंसर आ जाए क्योंकि आपको आंसर चाहे जैसे करके लाना है लेकिन लाना जरूर है प्रूव्ड करना है तो ऐसा क्वेश्चन कभी मिलता है तो हमेशा याद रखना चाहे जैसा अगर वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स ऐसा मिलता है एक्स बराबर कॉस ठीठा मान लीजिए ठीक है या कॉस टू ठीठा अगर हम लेट कर लेते हैं यानी एक्स बराबर कॉस टू ठीटा मान लीजिए या थीटा भी मान सकते हो तो यहाँ थी, टू थीटा मान लिए अगर हम इसको इधर लाएंगे तो टू थीटा बराबर कितना होगा आप कहोगे कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा तो अगर एक थीटा की बैलू निकालते हैं वन बाई टू और ये कितना होगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ये बैलू आपके पास निकल के आ गए जो आप अच्छे से समझ चुके हो इसमें अब आपको क्या करना है इसमें जहां यक्स होगा वहां कॉस टू थीटा रखो तो हम लिख सकते हैं कि टेन इनमस ये हो जाएगा अंडर उट वन प्लस कॉस टू थीटा फिर माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस टू थीटा फिर प्लस अंडर उट वन माइनस कॉस टू थीटा अब आपको फार्मूला अगर मालूम हो तो ठीक है नहीं मालूम है तो हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि बिना फार्मूले को अब ऐसा क्या करें कि जो रूट है one, वो खत्म खत्म हो जा, under root हो जाए जाए तो आपको cos theta बराबर दो फार्मूला बताया गया two theta बराबर ये होता है, एक होता है है एक और दूसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा दोनों होते हैं थीटा बराबर कॉस टू थीटा अब ऐसा कौन सा फार्मूला कब यूज करना चाहिए जब यहां देखो वन प्लस टू थीटा रहे तो वन को खत्म करना होता है तो हम ऊपर वाला कॉस टू कॉस स्क्सा माइनस वन लेकिन जब कॉस निगेटिव हो तो आपको नीचे वाला फार्मूला यूज किया जाता है ये हमेशा याद रखना तभी आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर पाओगे सॉल्व कर पाओगे चलो सॉल्व करते हैं लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स ये वन और टू कॉस थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन फिर माइनस इन पे लिख सकते हैं वन माइनस और इसके बराबर हमने कहा निगेटिव वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना ये होगा वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बाद कितना होगा माइनस वन इस पर प्लस है तो प्लस लगाइए और फिर क्या करिए यहाँ पे भी वही वन माइनस वन टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अब आगे सॉल्व करो इसको यानी मतलब ब्रेकेट को ओपन करो जो कटे उसको काट दो जो बचे वो बचा लो तो देखो वन से वन कट गया ये भी कहीं ब्रेकेट नहीं खोलना तो हमारे पास कितना बचा ये टू कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस इन पे देखो माइनस से गुड़ा कराए माइनस वन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और ये बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा ये वन से वन कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर में भी यही बचा हुआ है टू कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस कितना बचा हुआ है ब्रेकअट ओपन करें माइनस से गुड़ा माइनस वन और माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा ये इतना हो जाएगा अब इनको हम कैसे सॉल्व करें इसमें कि आसानी से आंसर आ जाए तो आप देख रहे हो अगर इसका स्क्वायर रूट ले तो रूट टू होगा और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा होगा यहाँ पे भी देखो कितना बचा था लिख दे रहे हैं ना तो आपको कोई प्रॉब्लम हो टू साइन स्क्वायर थीटा ये बचा था और यहाँ पे देखो टू का रूट टू हो जाएगा और ये कितना कॉस थीटा आ गया फिर इसके बाद देखो ये वन 1 कट चुका तो यहाँ पर कितना बचा रूट टू साइन स्क्वायर थीटा ये इतना बचा तो आप ऐसा क्या करें कि ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए तो टेन इनवर्स को हमें खत्म ही करना है आप जान ही रहे हो तो ये रूट टू और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा फिर माइनस ये हो जाएगा रूट टू और साइन थीटा क्योंकि स्क्वायर था और रूट टू और ये कितना होगा कॉस थीटा यहाँ पर नीचे प्लस था तो ये प्लस हो जाएगा रूट टू साइन थीटा हम रूट टू लेकर तो काट सकते हैं आप आसानी से जानते हो कॉमन लेकर काट सकते हैं हम एक इसमें प्रोसेस लगाना है रूट टू कॉस थीटा यानी अंश और हर में अंश और हर में रूट टू कॉस थीटा से भाग कर दो आप अच्छे समझ जाएंगे भाग करेंगे कॉमन भी लिया जाता है भाग भी करते हैं जब इसमें भाग करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा टेन इनमस इसको भाग करेंगे रूट टू और ये हो जाएगा कॉस थीटा और बाई रूट टू और कॉस थीटा होगा अंश में भाग करेंगे तो रूट टू साइन थीटा और बटे कितना होगा रूट टू साइन थीटा ये अंश ओ थीटा से भाग हो रहा है तो थीटा यंस में हो गया हर में आते हैं तो रूट टू और ये हो जाएगा कॉस थीटा और बाई रूट टू थीटा सब में भाग होगा फिर प्लस रूट टू साइन थीटा और बटे रूट टू और कॉस थीटा हो जाएगा देखो जो वैल्यू कटे ये पूरा कट गया ये कट गया दो से दो कट गया और इसको तो एक आपने पढ़ा था क्या कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ये होता है ना तो देखो साइन बाई कॉस यहाँ पर बच रहा है नीचे भी ऐसे तो हम कितना लिख सकते हैं इसमें ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन और माइनस टेन थीटा और डिनोमिनेटर में वन और प्लस टेन थीटा एक आप पढ़े होंगे टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितना होती है आप कहोगे वन होता है तो देखो वन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं यहां पर तो एक अपने मन से यहां पे गुड़ा करा लो यानी अपने मन से जब एक से गुड़ा कराएंगे तो देखो कितना लिख सकते हैं फोर tan tan और माइनस टेन थीटा और नीचे देखो वन और प्लस है तो वन के स्थान पे यहां पर लिखेंगे टेन पाई बाई फोर और इन टेन थीटा ये इतना होगा तो फिर एक सूत्र आप पढ़े थे क्या कि टेन ए माइनस बी बटे कितना होता है टेन यानी सूत्र टेन ए और माइनस कितना टेन बी और डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है अगर आपके दिमाग में आ रहा हो वन के स्थान पे यहाँ टेन पाई बाई फोर लेकिन रख दोगे गलत हो क्योंकि ये सूत्र में था तो सूत्र के स्थान पे हम नहीं रख सकते कि रख सकते इसलिए इसमें गलत हो जाता तो आप देखो फार्मूला डायरेक्ट ये बन गया क्या बना टेन इनवर्स और ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर और माइनस कितना थीटा हो जाएगा ये टेन टेन कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई बाई और माइनस कितना थीटा और थीटा बराबर जो बैलू निकाले थे अभी हम दिखा देते हैं क्योंकि पाई बाई फोर और माइनस कितना वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स ये क्या था आर एच एस जो हमें लाना था तो बस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही प्रूव करते हैं अगर कभी पे वन अंडर रूट में मिल वन प्लस एक्स या वन माइनस एक्स कॉस टू थीटा मानते हैं और इसका रूट सॉल्व करके हटाकर उसको हम क्या कर देते आंसर दे देते अब आप इसका स्क्रीन ले लो देखो हमने निकाला था थीटा वरा, वन बाई टू कॉन्स ये वैल्यू वहां पे पुट कर दिया यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लो आप ये भी आप ले लिए होंगे हाँ ये भी स्क्रीन शॉट ले ली आपको समझ में आ रहा होगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा कि हम सर ये प्रॉब्लम आ रही हो आपको बताया था ये क्वेश्चन केवल आप देखते जाइए और एक आपके माइंड में सेटअप बैठाते जाइए कभी भी कहीं आप हो किसी भी टाइम हो कहीं भी आप वाशरूम बैठो कहीं भी बैठे हो बस वीडियो को जब टाइम मिले चलते फिरते एक बार देख लो ठीक है जब आप बैठे हो जैसे आप क्या करते हो एक छोटी छोटी वीडियो का स्क्रिप्ट देखते हो वैसे इसको देख के आराम से पढ़ लीजिए जब पढ़ लोगे तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपका मैथ्स धीरे धीरे ऐसा तैयार हो जाएगा कि पेपर जब देने बैठोगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनेगी तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें वीडियो लें थैंक यू सो मच